भाई एक जो हमारी कराची को एक बहुत जो बड़ा मसला दरपेश है वो एक मैं तो यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ी हमाकत है कि मदीना मस्जिद तारिक रोड पर जो मस्जिद है, मैंने सबसे जब जब ट्वीट पहले किया था तो उसमें भी बताया था कि 25 साल से कायम है, लेकिन मालूम हुआ कि वो 40 साल से कायम, और उसके बारे में यह फैसला आ गया। और फैसला मैंने पढ़ा वो 20 सत्रों का होगा मुश्किल से, इतने बड़े मसले के, और यह फैसला दे दिया कि भाई उसको गिरा दिया जाए। और आज खबर में भी है, खबर खबर में जरा कुछ ऊंच नीच भी है, लेकिन बहरहाल ये फैसला जो है, सब कौन मुसलमान ऐसा है जिसका दिल उससे ना रंजीदा हुआ हो, दिल दुखाना, और उसके ऊपर ये बात वाजे है कानूनी एतबार से भी। बहरहाल मैं भी कुछ थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ अदालती तरीक़ेकार से, तो उस अदालती तरीक़ेकार का कोई लिहाज में रखा नहीं, मुतासर फरीक से की बात नहीं, उसके हालात से मालूम, उसको हालात नहीं किए, उसकी तहकीक नहीं की गई और यह हुक्म जारी कर। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अगर 10 भी फैसले आ जाए तो हमारी हम या हमारी कौम इंशाल्लाह एक ईंट को भी गिरने नहीं देगी अल्लाह के रहमत इंशाल्लाह। तो ये तो एक इंतहाई गलत फैसला है, और उसका जो कानूनी तरीक़ेकार है वो भी इख्तियार किया जा रहा है।